काले चने बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए हमने एक चम्मच घी का लिया है और एक प्याज लिया है। इसको मैंने हल्का सा नरम करना है प्याज को। आग ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी और ना ज़्यादा हल्की। ये हमारा प्याज नरम हो गया है, इसमें हम लहसुन डाल देंगे। तीन चार जवे लहसुन के लिए हैं मैंने। अब लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको एक मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। ये हमारा लहसुन भी फ्राई हो गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हम मैंने एक बड़ा टमाटर लिए और ये हम इसमें डाल देंगे। टमाटर को भी हम हल्का सा नरम कर लेंगे। इसमें हम पानी का एक घूंट डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। इसमें हम नमक की एक चम्मच, मिर्चों का एक चम्मच और थोड़ी सी मैंने डाल दी है। और टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, डेढ़ टेबल स्पून मैंने मिर्चों का डाला है, हाफ टेबल स्पून मैंने आमचूर पाउडर, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें अचार डाला है, चाट मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, एक दो घूंट पानी का डालने हैं ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फ्लेम को हमने लो कर देना है। फ्लेम को हमने लो कर देना है। और इसको दो मिनट के लिए पकने देना है। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूं। इसमें मैंने खीरे लिए है, उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है। गाजर ली है, वो भी मैंने इस तरह बारीक लंबी काट ली है। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। बंद गोभी है, वो भी मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें ली हैं और इमली का मैंने वो लिया है फल। इमली की चटनी है और ये चाट मसाला है। और ये मैंने काले चने, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये काले चने हमारे अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए। अच्छी तरह से हमारे गले हुए होंगे तो फिर ये सही बनेगा। अब हम ये काले चने देगची में डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे।
अब हम इसमें हरी मिर्चें, अब हम इसमें ये गाजर डालेंगे जो हमने ब्रीक भी की थी, बंद गोभी ये जो हमने ब्रीक ब्रीक करके रखी थी ये डाल देंगे सारी। ये प्याज ये डाल देंगे। इसमें हम खीरे डाल देंगे। इसमें हम थोड़ी सी इमली की चटनी डालेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको किसी डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम अब डिश में निकालते हैं। ये देखिए ये कितने मज़े का लग रहा है। अब ये हमने डिश में निकाल ली है, इसके ऊपर हम हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी गाजर डाल देंगे। ये टमाटर के स्लाइस करके इसको हम थोड़े से ये डाल देंगे। हमने टमाटरों को इस तरह ब्रीक लंबा करके वो काट के वो इस पे थोड़े से डाल देंगे। खीरे, थोड़ा सा प्याज, बंद गोभी, ये हम सब चीजें इसके ऊपर डाल देंगे। ये थोड़ी सी इमली की चटनी इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारी डिश रेडी हो गई है। ये हमारे चने रेडी हैं, तैयार हो गए हैं। आप लोग हमारे चने ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।